तो आज मैं बहुत एक साढ़े 2 को आज मैं बहुत मजे का चैलेंज करने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ मिनी फूड, वो भी रियल में, फेक नहीं रियल में। तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर मैंने बनानी है 3 डिशेस। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो सैंडविच के लिए फ्रेंड्स हम मैं मिनी चीज़ें बना, चूल्हा भी तो मिनी होना चाहिए, बर्तन भी। मेरा मिनी सा चूल्हा और ये मेरे कुछ बर्तन है मिनी से। तो ये है मेरी ब्रेड्स, तो इसके अंदर मैं जैम भी लगा सकती हूँ। ये टिक्की है और ये है केचप। तो इस पर आपने किसी बड़े की हेल्प लेनी, खुद ना बनाना क्योंकि रियल है। आइए अपना चैनल स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो। तो फ्रेंड मुझे मेरी मामा ने चला दिए, आपने खुद नहीं चलानी। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी सैंडविच, वो भी टिक्की वाला। इसके लिए मुझे टिक्की का बैटर चाहिए। मैं इसको टिक्की, अब मुझे इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी, फिर इसको फ्राई करूंगी। तो ये मिनी टिक्की बनानी है क्योंकि हमारा सैंडविच भी जो है वो है मिनी। तो इतना सा तो ले ली, मैं फर्स्ट टाइम टिक्की बना रही हूँ, फिर बन ही नहीं रही। सातों में हम गोल गोल करेंगे क्योंकि हमने गोल शेप की टिक्की बनानी है और मैं आपको बनाती हूँ। आप सैंडविच प्याज टमाटो सब कुछ डाल सकते हैं, तो मुझे सिंपल पसंद है, मैं सिंपल बनाने वाली हूँ। कढ़ाई लेके इसको हम रखते हैं यहाँ पे, हम रखते हैं। तो इसको मैंने ऐसे रख दिया तो बहुत हरी हो। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल। तो ये है मेरा ऑयल, तो इसको हम डालते हैं। तो ये मेरा ऑयल जो है वो डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने का वेट करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। और ये अभी इसको हम थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। तो इसके अंदर वो ना बुलबुली से ऐसा लगता है गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर टिक्की डालना है, बहुत ध्यान से डालने को, कोई टॉय नहीं है और ये रियल है, तो डलना किधर। ये क्या था, दूसरी डालने लगी। तो मैं यहाँ पर खाली जगह में डाल रही हूँ। डालना है मुझे कि मेरी कोई भी टूट भी गई है, तो मुझे ओके। चलो फ्रेंड्स मुझे लगता है बन गई है, तो अब हम इसको करते हैं। फ्रेंड्स ये रेडी है, इसको हम प्लेट में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी शामियाँ गरम हो गई, हम इसको अंदर ब्रेड बनाते हैं। तो ब्रेड के लिए भी जो हमने स्पून ये वाला लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले 2 पीस डालूंगी, 2 या 3 पीस डाल देती हूँ। चेंज कर ली। ओहो ये तो जल गई। तो मुझे ये इस सारी साइड से जल रही है, तो मेरे को इधर इतना। फ्रेंड्स अब मैं इसको निकालने लगी, इससे पहले मेरे बाकी ब्रेड्स भी जल जाएं। तो नेक्स्ट अभी मुझे इसी प्लेट में डालूंगी। ये मैंने एक एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो हम इसको डालते हैं ताकि मुझे दूसरी साइड है ना वो ताकि ना जलते इसको। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर डालूंगी केचप। तो ये है मेरी केचप, तो मैं इस और इसको लगाते हैं। अब मैं इसको नाइफ से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं कैसे बना रही हूँ, तो मुझे बहुत एक्टिव मज़ा आ रहा है इसको बनाते वक्त। तो केचप तो लगा लिया, अब हम इसके अंदर इसके ऊपर रख देते हैं हमारी एक शामी। तो फ्रेंड्स मेरा एक सैंडविच रेडी हो गया। मैं इसकी साइड पे थोड़ी सी केचप लगा देती हूँ क्योंकि केचप से तो मज़ा आता है, वरना तो ऐसे मज़ा नहीं आता मुझे। तो ये मिनी फूड तो मैं एक बाइट में खा जाऊँगी। तो ये हो गया मेरा डन। अब दूसरे में मैं केचप नहीं लगाने वाली। तो फ्रेंड्स अब मैं दूसरा अनाबिया के लिए भी रेडी करने वाली क्योंकि उसने भी तो खाना है। तो इसको भी हम रेडी कर देते हैं। मुझे लगता है अनाबे से उसका तो पेट भरेगा नहीं, खतीजा ही खा लेंगे इसका। अच्छी तरह केचप लगा देते हैं हम। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में। अभी तो हमारी सिर्फ 1 डिश बनी है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिए सैंडविच और अनाबे के लिए सैंडविच बना लिए, और जो ये वाली ब्रेड थी ना इसको हमने फ्राई नहीं किया था, उसके अंदर मैं लगाने वाली हूँ जैम। तो जैम भी हमारे पास मिनी है, देखो फ्रेंड्स, ये मिनी बॉटल जैम इतना क्यूट है ना। इसका फ्लेवर शायद ब्लूबेरी है ना स्ट्रॉबेरी, पता नहीं कौन सा है, हमें फ्लेवर से नहीं देना। इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स आपने कभी देखा इतनी छोटी बोतल में जैम मिलता है होगा। तो फ्रेंड्स मैं जैम लगाने लगी हूँ इसमें। तो ये जो ब्रेड एक और वाली थी, तो ये भी हम कोई खा ही लेगा, तो इस पर हम थोड़ा सा जैम लगाएंगे क्योंकि छोटी सी तो ब्रेड है, तो इतना जैम काफ़ी होगा क्योंकि ये भी ज़्यादा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स सैंडविच रेडी हो गए है फ्रेंड। तो ये है टू वो शामी वाला सैंडविच एंड ये वन जैम वाला सैंडविच। को जो खाना है खा लो, वन बाइट में फिनिश हो जाएगा ये। तो अब हम चलते हैं सेकेंड डिश की तरफ। तो फ्रेंड्स मेरी सेकेंड डिश है आलू का पराठा। तो इसमें मैंने आलू बॉयल करके मैश कर लिए एंड ये मैंने दो पेड़े बनाए हैं क्योंकि अब मुझे इसको मिला पड़ेगा। तो छोटे छोटे से पेड़े होंगे, तो छोटे छोटे सा एक आलू का पराठा भी हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, और हमको दिखे तो मुश्किल होता है। तो ये मैंने बना लिया है, अब हम इसको भूनते हैं। मेरा हाथ इतना मुश्किल लगा रियल बनाना, हम तो ऐसे बना रहे थे तो प्लेन वाले वीडियो में, बड़ा रियल है फ्रेंड्स इतना मुश्किल, वो भी मिनी। ओ माय गॉड, तो ये इतना काफी हो गया। इसके अंदर कुछ आटा और डाल देते हैं। तो ये मेरा दूसरा पेड़ा, मेरा पेड़ा बना लिया था। अब फ्रेंड्स जैसा भी बनेगा पर टेस्टी होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, छोटी छोटी चीजें फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है, तो इसको बेलने का भी बहुत टाइम लगता है। तो मुझे तो मजा तो आ रहा है। तो आप ये ट्राई करना, ये छोटी छोटी मिट्टी की चीजें, स्टील की चीजें आपको इजीली मार्केट से वगैरह से आपको मिल ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं पराठे में आलू डालने वाली हूँ इससे छोटू से, क्योंकि मेरा आलू का जो पराठा चेंज कर लिया, मैं दूसरी साइड को अच्छी तरह पका लेती हूँ। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर लगाएंगे ऑयल। तो छोटू सा स्पून ऑयल लगाने के लिए रखा था क्योंकि मेरा पराठा मेरा छोटू सा ही है, तो ऑयल को अपने पास ले लेते हैं। ओह इतना मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स, इतनी मिनी मिनी चीजें बनाने का। फ्रेंड्स अब इसके साइड चेंज करके हम दूसरी तरफ भी लगाते हैं ऑयल। तो अब हम इस तरफ भी इसका ऑयल लगा देते हैं। ऐसे ऐसे करके हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेंड मैंने ऑयल डाल दिया दोनों साइड, और मुझे लगता है ये पक गया क्योंकि चिपक चिपक की आवाजें आती हैं। तो वाह, तो फ्रेंड्स मेरा आलू का पराठा बन गया है, पर आप शेप को इग्नोर करें क्योंकि शेप ऐसी बनी, पर मुझे देखने से लगे पूरा पक भी गया एंड ये बहुत यमी भी है। तो हम इसको मतलब यहाँ पर डालते हैं, तो फिर छोटू सी हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें निकाल लिया और ये बहुत अच्छी तरह पक गया है। फ्रेंड्स बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड्स आलू के पराठे के साथ चाय अगर ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो हम बनाएंगे मिनी चाय। चाय तो बनाएंगे पर इसमें बनाएंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स चाय का सामान रेडी हो गया। तो वाटर है, ये मिल्क है, ये शुगर एंड ये चाय पत्ती है। तो हम डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं वाटर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स इतना नॉइज़ी है इनमें। और अब हम इसके अंदर डालते हैं दूध। पट्टी डालने लगी, मैं 2 स्पून पट्टी डाल देती हूँ क्योंकि छोटा स्पून है तो छोटी सी चाय बननी है। तो बस इतनी पत्ती काफी हो गई। हम इसको उबलने का वेट करेंगे। ये हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसके अंदर डालते हैं मिल्क। तो लेट्स गो, हमने मिल्क भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। 2 स्पून शुगर सही रहेगी, तो 2 स्पून डालेंगे पत्ती और 2 स्पून डालेंगे शुगर। तो फ्रेंड्स अब हम इसको जल्दी से बनने देते हैं, जल्दी जल्दी बन जाएगी हमारी छोटी सी थोड़ी ही चाय। तो फ्रेंड्स मेरी सारी आइटम्स बन गई हैं, ये देखिए ये है चाय, सैंडविच एंड आलू का पराठा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं टेस्ट करने लगी हूँ आलू का पराठा, देखते मैंने कैसे बनाया है। में बहुत अच्छा है, साथ में हम चाय भी पीते हैं, थोड़ी सी पियेंगे बस। तो फ्रेंड्स आलू के पराठे का और चाय का क्या कॉम्बिनेशन है, वाओ मुझे मजा आ गया। तो फ्रेंड्स अब है सैंडविच के बारे में, तो ये ना सैंडविच एंड हम इसको ईट भी करते हैं। फ्रेंड्स बहुत क्रंची और टेस्टी बना है। मुझे बताना आपको मेरा मिनी फूड चैलेंज कैसा लगा, मुझे तो बहुत मजा आया चीजें को बनाने में और खाने में। तो अगर आपने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम को आईडी को नहीं देखा तो मैंने लिंक दी हुई, जाकर देखो जल्दी जल्दी और उसको मुझे कमेंट्स करो, नए आइडियाज दो मुझे, मैं वही तो वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके बाय बाय।